आपके फाइनेंस के ऊपर है कि आपने आपने इनकम को कैसे मैनेज करना है। मैंने दो खाने बनाए, एक में लिखा है इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। यदि आपकी इनकम सपोज 50,000 रुपए है और खर्चा आपका 40,000 रुपए है तो आप 10,000 पे इन्वेस्ट कर सकते हो। यदि आपकी सैलरी जो है वो 50,000 रुपए है और एक्सपेंसेस भी 50,000 है तो इन्वेस्टिंग जीरो हो जाएगी। दोस्तों, राजवंत सिंह मौली प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक आपके फाइनेंस के ऊपर है कि आपने आपने इनकम को कैसे मैनेज करना है। मैंने दो खाने बनाए हैं, एक में लिखा है इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू इन्वेस्टिंग। यदि आपकी इनकम ए है तो आपके एक्सपेंसेस बी है तो उसके बाद बचने के बाद आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो इसमें कुछ नहीं क्लियर नहीं है। यदि आपकी इनकम सपोज 50,000 रुपए है और खर्चा आपका 40,000 रुपए है तो आप 10,000 पे इन्वेस्ट कर सकते हो। यदि आपकी सैलरी जो है वो 50,000 रुपए है और एक्सपेंसेस भी 50,000 है तो इन्वेस्टिंग जीरो हो जाएगी। मतलब इस एक्सपेंसेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपके पास पैसा बचेगा या नहीं बचेगा। इनकम तो आपकी जो रहनी है वो रहनी है, जो यदि इनकम से खर्चा बढ़ गया तो ये आपकी इन्वेस्टिंग माइनस में चली जाएगी, मतलब जीरो से भी नीचे चली जाएगी। तो ये यदि ये हो गया तो आपकी पोजीशन आपकी हालत काफी ज्यादा खस्ता हो सकती है। और सेकंड में मैंने लिखा है इनकम, ये आपकी इनकम है। इनकम में से यदि आप पहले इन्वेस्टिंग करते हो, इनकम आपकी सपोज ए है और उसमें से जो भी आपके पास इन्वेस्टिंग कर दी और उसके बाद आपके पास एक्सपेंसिव बचे, इन्वेस्टिंग करने का मतलब आपको शौक है। ये काम तब होगा यदि आपको इन्वेस्टमेंट का शौक है, इन्वेस्टिंग करने का शौक है। यदि आप इन्वेस्टिंग करोगे शौक के साथ करोगे और पहले इन्वेस्टिंग करोगे उसके बाद जो बचेगा उसके बाद वो खर्चे करोगे। यदि इसमें क्या है, इसमें आपका एक्सपेंसेस ज्यादा भी हो सकते हैं। यदि आपको बड़ी कार का शौक है तो वो आपका नुकसान कर सकती है, और कोई शौक है शाम को विस्की पीने का शौक है या कोई बड़ा घर बनाने का शौक है या कोई और घोड़ा पालने का शौक है तो वो शौक भी आ सकते हैं इसमें, लेकिन इसमें नहीं आएंगे। इसमें इनकम बड़ी है, इनकम आ गई आपकी जितनी भी है उसमें से पहले आपने इन्वेस्टिंग करनी है उसके बाद आपके एक्सपेंसेस। मतलब सिंपल बात यह है कि यहां पर आप इन्वेस्टिंग करने के बाद अपने खर्चे जो है वो लिमिटेड करोगे। यदि आपके खर्चे लिमिटेड हो जाएंगे और इनकम बड़ी हो जाएगी और ये जो इन्वेस्टिंग होगी ये भी आपकी इनकम जनरेट करेगी तो डेफिनेटली आपकी विन विन सिचुएशन हो जाएगी। मतलब ये यदि आपकी आदत ये रही तो यू विल गेट वेल्दी, आपकी वेल्दी वेल्थ जो है वो क्रिएट हो जाएगी। यू विल गेट वेल्दी, सिंपल, आप हेल्दी हो जाओगे। और यदि आपकी ये पोजीशन है इनकम के हिसाब से आपका खर्चा पूरा पूरा होता है या खर्चा ज्यादा है, इन्वेस्टिंग होती नहीं है तो आप पुअर क्लास में आओगे। तो ये इधर वेल्दी है, इधर पुअर क्लास में आ जाओगे, इधर पुअर में। सो आपने अपने ऊपर ध्यान देना भाई कि हमने कौन सी आदत रखनी है, कौन सी आदत पालनी है। यदि हम अच्छी आदत पालने में कामयाब हो जाते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो पोजीशन है, हमारी पोजीशन है वो बेस्ट हो जाती है। सो दोस्तों, आज के लिए इतने ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना और इसके ऊपर चर्चा करना। बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ आपके सामने होऊंगा, तब तक चैनल के साथ बने रहें, सीखते जाएं, पढ़ते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। बहुत जल्द मिल रहा हूं आपको।